हेलो गाइस, आज मैं आपको रूम का टूर देने वाली हूँ जिसमें मैंने रिसेंटली ही शिफ्ट किया है। सो बेसिकली आई लिव इन 1 आवर के ये गुड़गांव में है बिकॉज मैं यहीं पे जॉब करती होती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली रेंट जो है इस 1 आवर के का, इट्स काइंड ऑफ लाइक 10 से लेके 15 के बीच में है पर सीट के हिसाब से। आई कांट रिवील द राइट रेंट क्योंकि वो अलाउड नहीं है मुझे काइंड ऑफ लाइक। तो चलिए रूम देखते हैं। सो बेसिकली ये है रूम की एंट्री। इस रूम से एंट्री करने के बाद जस्ट डायरेक्टली यहाँ पे कुछ स्विचेस लगे हुए हैं जहाँ से मेरी मेन लाइट्स वगैरह पंखे वंखे सब खुलते होते हैं। ये मेरा मेन मिरर है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद लेट मी शो यू फ्रॉम दिस साइड। सो बेसिकली यहाँ पे एक अलमीरा है, 2 अलमीराज है। एंड ये रूम बेसिकली अवेलेबल शेयरिंग के अंदर है, तो मैं और मेरी एक रूममेट यहाँ रहते होते हैं। तो एक मेरा अलमीरा है, एक उनकी अलमीरा है। एंड यहाँ पे भी बेड के साथ दोनों साइड से हमें एक छोटी अलमीराज और मिली है। यहाँ पे इट्स काइंड लाइक अ वार्डरोब, वी कैन कीप आवर पर्सनल स्टफ हियर। एंड मेरे को एंड दिस आर द वार्डरोब्स। कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। रूम को देख के ऐसा लगता है कि यू नो अलमीराज को देखे कि शायद स्पेस कम है, बट आई कांट शो यू ओपन करके कि पर्सनल स्टफ है इसके अंदर, बट इसका लिटरली क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो बेड्स के अंदर कैबिनेट्स बने हुए हैं, तो आप बेड के अंदर काफ़ी सामान रख सकते हैं जो हमारा रखा हुआ भी है। सो दिस आर आवर वॉशरूम एज यू कैन गाइस कैन सी। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर शॉवर लगा हुआ है, छोटी सी लाइट लगी हुई, ऑल्सो वी हैव येलो लाइट्स है जो थोड़ा एस्थेटिक लुक दे देती है वॉशरूम को। एंड देन वी हैव पुट आवर स्टफ इन द हेयर जो भी हमें चाहिए होता है। ऑल आवर यू नो कॉस्मेटिक्स आर बीइंग हेयर। एंड तो लेट मी शो यू रेस्ट ऑफ द रूम। एंड दिस वन ऑफ माई फेवरेट कोजी स्पेस ऑफ द होल रूम, मतलब बस यही चाहिए लाइफ में पूरे दिन। एंड देन दिस इज माय स्टडी टेबल वाला एरिया। एंड अलग यार टू स्टडी टेबल्स है लेकिन मैं नीड नीड हैव केप्ट ओनली वन स्टडी टेबल। एंड देन दिस इज लाइक दिस काइंड लाइक माय एसी प्रोवाइडेड टू अस। एंड एसी के साथ दिस इज लाइक बाहर वाली बालकनी इज देयर। एंड सो दीज आर जस्ट टोल्ड इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि 1 आवर की है। तो दिस काइंड लाइक अ किचन बीइंग प्रोवाइडेड टू अस। एंड इट्स स्लैप है एंड यहाँ पे हम लोग अपने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे अपना हमने इंडक्शन रखा हुआ है, टोस्टर रखा हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारे स्नैक्स आइटम दैट वी गाइस ऑन वो हम लोगों ने रखी हुई है। सो दिस इज अ होल रूम, इट्स काइंड ऑफ स्पेशियस, काफ़ी बड़ा बड़ा है एंड मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। सो व्हेन आई बेसिकली केम हियर इन गुड़गांव, सबसे बड़ा इशू मुझे यही आ रहा था रूम फाइंड करने में, क्योंकि आपको स्पेशियस और अच्छे रूम्स मिलने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो इजीली नहीं मिलते होते हैं। एंड रेंज एंड रेट्स भी काफ़ी हाई होते हैं। रेंट्स यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको यहाँ पे कोई रेंट स्लिप वगैरह बहुत जनरली हर जगह नहीं मिलती होती गुड़गांव के अंदर। एंड रूम भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते अगर आप सिर्फ एक गर्ल्स पीजी देख रहे हैं या फिर आप बॉयज़ पीजी देख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ चीज़ें कॉइड ही हैं या फिर ओपन फ्लैट्स ही हैं। एंड जैसे स्टे इन अ पीजी, तो पीजी के मुझे काफ़ी बर्क्स मिलते होते हैं। स्पेशल वन इज़ द फूड। आई वॉन्ट से फूड इज ऑसम, फूड आई थिंक किसी भी पीजी का कभी कोई ऑसम नहीं होता है होता है। तो सेकेंड पर्क विच आई गेट इज है यहाँ पे वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री एरिया है। थर्ड इज दैट इज लिफ्ट हेयर। फोर्थ इज दैट द वाटर कूलर यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिफ्थ इज दैट फ्रिज इज अवेलेबल हेयर। सिक्स्थ यहाँ पे मेड भी आती होती है, इनकी एक्सपेंसिव आती होती है। तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द 12 to 15 के विच आई पे एक सीट के लिए मुझे अपनी बिजली का बिल अलग देना होता है। चंडी गुड़गांव में ये रूल है कि आई थिंक हर जगह अवेलेबल है ये रूल कि यू नो वट, आप लाइक आपका बिजली का बिल अलग ही आता होता है, आपके रूम का सब मीटर अलग लगा होता है। जो अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो आपको पूरा पे करना होता है, एल्स वो इक्वली डिवाइड हो जाता है आपके रूममेट्स के बीच में। यहाँ पे आपको रूम लेने के लिए सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी होती है जो बेसिकली आपके रूम का रेंट ही होता है जो आपको एडवांस में करना होता है। एंड जब आप एक रूम को फाइनलाइज करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ एक टोकन मनी को प्रोवाइड करना होता है। टोकन मनी से आपका एक रूम एक बुक हो जाता है। इट्स नॉट द एग्जैक्ट रेंट यू पे, इट्स जस्ट सब अमाउंट ऑफ रेंट यू पे। सो बेसिकली टोकन मनी जो होता है वो ऑनर पे डिपेंडेंट होता है, वो जितना आपको मानेंगे आपको उतना देना पड़ता है, बस आपकी सीट बुक हो जाती है। तो बेसिकली जब भी आप एक रूम ले, मेरी एडवाइस यही रहेगी, सबसे पहले आप उसमें वेंटिलेशन को देखिए, वहाँ पे जो अवेलेबल रूम में रूममेट है उसको देखिए, थर्ड वहाँ का खाना देखिए, फोर्थ वहाँ की सिक्योरिटी देखिए, कैसे सेफ्टी वगैरह पर्पज़ के हिसाब से वो कैसा है या नहीं। और हर चीज़ में भी आई थिंक यू कैन कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट, लेकिन ये चार चीज़ अननेगोशिएबल होती हैं। सो बेसिकली गर्ल्स पीजी का ट्रेंड होता है पर सीट का 10 to 15 के बीच में होता है। एंड यहाँ पे आपको गर्ल्स पीजी जनरली 2 डबल शेयरिंग में या फिर ट्रिपल शेयरिंग मैक्स आपको मिल जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि सेफ्टी वाइज गर्ल्स पीजी बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। कोविड का वन ऑफ द ड्रॉबैक यही रहता है कि वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही रहते होते हो। एंड यहाँ पे गुड़गांव में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप यू नो प्रोसेस मंगवा सकते हैं, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया एंड इंस्टामार्ट हो गया, जहाँ से आप इंस्टेंटली ग्रोसरीज या फूड या कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं।
जनरली यहाँ पे सेक्टर 21 में जो पीजीज हैं वो ऑफिसेज है बहुत बिल्कुल ही पास, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मार्केट से यहाँ का ड्रॉबैक ये है कि सेक्टर 21 वाले एरिया में मार्केट्स नहीं है, मार्केट्स में अवेलेबल हैं सेक्टर 22 एंड सेक्टर 23 के अंदर। नॉर्मल आपको एक आधी लोकल शॉप जरूर यहाँ मिल जाएगी, बट ये जो एरिया है काफ़ी सेफ एरिया है एंड काफ़ी यहाँ पे आपको स्टॉल्स भी मिल जाएंगी खाने की छोटी मोटी यहाँ पे, एंड थोड़ा पॉश एरिया में से एक आता है। इसके अलावा अगर ढुंडेरा गांव जाते हैं जो सेक्टर 21 का पार्ट नहीं है लेकिन 21 के जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे आपको थोड़े और कम प्राइस में आपको रूम्स मिल जाएंगे एंड यू नो थोड़े और चीपर प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ मार्केट एरिया बहुत पास पड़ता है वो, सो बी पॉजिटिव एंड डरिए मत बाहर रहने से, रूम रेंट करने से या कुछ भी करने से। आई थिंक आप हर स्पेस को अपना घर जैसा स्पेस बना सकते हैं, उसमें अपना पर्सनल टच कुछ ऐड करके एंड वहाँ के लोगों को अपना बना के। सो बेसिकली इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।